क्या पायलट और गहलोत फिर से दिल मिलाएंगे? नहीं। क्या पायलट बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं। बागी हुए पायलट किस राह जाएंगे? पता नहीं। पायलट और गहलोत की तलखियां खुले तौर पर इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब खाई पटने का तो सवाल ही नहीं उठता। पायलट साफ तौर पर कह रहे हैं कि गहलोत के आदेश पर उन्हें दरकिनार किया गया, तो गहलोत भी पायलट को अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का सूत्रधार बता रहे हैं। गहलोत की अचानक तलख हुई जुबान बता रही है कि अब वो आर पार के मूड में है। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लोगों से मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफे दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफे दे रहे हो? हॉस्टलिंग हो रही है देश के अंदर, ऐसा बड़ा लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में ड्रिलिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है, एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको। वहीं पायलट के निशाने पर भी सिर्फ और सिर्फ गहलोत हैं, उन्हें किसी और से कोई शिकायत नहीं है। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो मेरे आदेशों को न माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से वादों को पूरा न कर सकूं? हालांकि इंडिया टुडे मैगजीन से पायलट ये भी साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिलाने नहीं जा रहे, लेकिन गहलोत कह रहे हैं कि होना तो यही था लेकिन चाल फेल हो गई। देखिए, इनका प्लान जो था वो फेल हो गया। ये चाहते थे कि बीजेपी में जाने के लिए कोई विधायक तैयार नहीं हुआ। इन्होंने एक साल से कोशिश कर ली, तब जाके इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी के नेताओं से बात करके तय किया कि बीजेपी में कोई आएगा नहीं, हम नई पार्टी बनाएंगे। गहलोत के हमलों के साथ ही पायलट एंड कंपनी की कानूनी घेराबंदी भी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और उनके समर्थक 17 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। सभी को 17 जुलाई तक विधानसभा में पेश होकर जवाब देने को कहा गया है। ज्यादातर विधायकों के घर पर ये नोटिस चिपका दिए गए हैं, लेकिन कल तक पायलट का खुली बाहों से स्वागत को तैयार बीजेपी अब गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती। हम नहीं करेंगे, अभी हमें देखेंगे, अभी उसकी सारी परिस्थितियों पर निगाह हमने रखी है और भी चर्चा चल रही है, उसका जो भी संवैधानिक पक्ष होगा उसको फॉलो करेंगे। शतरंज के खेल में कई चालों का असर आगे के खेल में दिखता है। पायलट यही रणनीति अपना रही है, लेकिन गहलोत अपने रास्ते का कांटा तुरंत निकाल फेंकने पर आमादा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि गहलोत के ये तेवर खुद कांग्रेस हाईकमान को भी रास नहीं आ रहे हैं।